गाइस आप सब आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ पार्टी फंक्शन में धूम मचा देने वाली साड़ियों की डिजाइन। बेहद खूबसूरत साड़ियाँ आज की वीडियो में शेयर की हूँ, बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिफरेंट फेब्रिक के साथ। तो गाइस आज की वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखिएगा। जैसे कि आप मेरे हर एक वीडियो को देखते हैं, आज की साड़ियाँ भी आपको जरूर से जरूर पसंद आएंगी। बेहद खूबसूरत साड़ी है, अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ। देखिए रेड कलर में साड़ी कितनी ज्यादा प्रीटी लग रही है, जो कि प्लेन साड़ी के साथ आपको हैवी बॉर्डर मिल रहा है। देखिए ये पर्पल कलर की साड़ी है, इस साड़ी का लुक भी काफी शानदार आएगा। देखने में ये साड़ी जितनी सिंपल है इसका लुक उतना ही प्यारा आएगा। ये पीच कलर की साड़ी है गाइस, जो कि नेट फैब्रिक में है। इसके अलावा देखिए ये मरून कलर की साड़ी है, ऑल ओवर साड़ी पे आपको एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल रहा है। इस टाइप की साड़ी आप ले सकते हैं वेडिंग फंक्शन में पहनने के लिए। ये भी नेट फैब्रिक की साड़ी है, इस पे आपको एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल रहा है। इसके अलावा देखिए ये ब्लैक कलर की साड़ी है, वैसे भी गर्ल्स को ब्लैक कलर बेहद पसंद होता है, तो पार्टी फंक्शन में पहनने के लिए गर्ल्स खुद के लिए साड़ी ले सकती है। ये पीच कलर की साड़ी है गाइस, प्रिंट मिल रहा है। इसके अलावा देखिए प्लेन ब्लैक साड़ी है, प्लेन साड़ियां भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। सिंपल सी साड़ी हो उसके साथ आप डिजाइनर ज्वेलरी पहन लो तो आपका लुक काफी यूनिक आता है। इसके अलावा देखिए ये रेड कलर की साड़ी है, जो कि नेट फैब्रिक में है। तो आप देख सकते हैं सभी साड़ियों की फैब्रिक पैटर्न्स कलर बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट है। तो गाइस इस टाइप की साड़ी अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन में पहनने के लिए, एंगेजमेंट हो गया या रिसेप्शन पार्टी हो गया या फिर किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन हो गया उसमें आप इस टाइप की साड़ी पहनना चाहते हैं और इस टाइप की साड़ी आप परचेस करना चाहते हैं, तो ये सभी साड़ी आपको फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएंगी, तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को बेहद पसंद आई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा।